नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। जिले के पूर्व पालक मंत्री तथा विधान परिषद सदस्य प्रवीण पोटे पाटिल द्वारा गत रोज स्थानीय हिंदू स्मशान भूमि संस्था में नई गैस शवदाहिनी स्थापित करने हेतु 30 लाख रुपए की सहायता राशि अपने पीआर पोटे पाटिल एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट की ओर से उपलब्ध कराई गई थी। साथ ही यह राशि ठाणे स्थित यूएरएक्स इंजीनियरिंग नामक कंपनी के खाते में भी ट्रांसफर कर दी गई थी, जिसके चलते बीती रात ही ठाणे स्थित कंपनी से नई गैस शवदाहिनी अमरावती के लिए रवाना भी हो गई, जो कल या परसों में यहां पहुंच जाएगी। पूर्व पालक मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल द्वारा दिखाई गई इस सदाशयता के लिए हिंदू स्मशान भूमि संस्था के पदाधिकारियों द्वारा श्री गौरक्षण संस्थान में पूर्व पालक मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल का सत्कार करने हेतु रविवार की शाम 5 बजे एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में पूर्व पालक मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल ने कहा कि अमरावती शहर व जिले ने उन्हें कुछ करने लायक व्यक्ति बनाया है और अपने माता पिता से मिले संस्कारों पर चलते हुए आज वे इस शहर के लिए कुछ करने की स्थिति में है। उनके द्वारा दी गई छोटी सी सहायता राशि को स्वीकार करते हुए हिंदू मोक्षधाम ने उन्हें और उनके परिवार व ट्रस्ट को उपकृत किया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मौजूदा संक्रमण काल सहित आगे जब कभी अमरावती शहर व जिले में कहीं भी किसी तरह की मदद की जरूरत होगी तो वे अपनी ओर से हर संभव सहायता प्रदान करने का प्रयास करेंगे। साथ ही ट्रस्ट द्वारा अमरावती शहर व जिले में अन्य कई उपक्रमों को लेकर काम किया जा रहा है, जिसकी जानकारी जल्द ही साझा की जाएगी। कि हिंदू स्मशान संस्था जो जब से आज करीब करीब काफी सालों से ये काम कर रहे हैं, इसमें हमारे अटल जी साहब है, उनकी पूरी टीम है, उसके अंदर में पूरे काम जो करते हैं, हम जो देखते हैं, आज करीब करीब 20-25 बॉडी वहाँ पे आती है और उसके अंदर में लकड़ा या अन्य जो चीज़ उसमें लगती है उसकी आज बहुत कमी है। वो देखते हुए हमारा जो मित्र परिवार है, हमारे अनिल बाबू है, हमारे डॉक्टर कड़ू साहब है, इनके मार्गदर्शन के अंदर में और इनके प्रोत्साहन के अंदर में काफ़ी चीज़ करने का हमको अवसर मिला हुआ है। सबसे बड़ी बात आज हिंदू संस्थान ने, मैं जो आज 30 लाख रुपए का जो दस्तावेज जो दे रहा हूँ, ये इन्होंने एक्सेप्ट किया, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। मैंने जो पैसे दिए, ये मुझे इसका ये नहीं है कि मैंने जो कर रहा हूँ काम, वो काम के लिए इन्होंने एक्सेप्टेंस दिया। लोग काफ़ी लोग आएंगे देंगे भी ऐसा नहीं है, लेकिन इन्होंने इतना बड़ा काम कर रहे हैं और वो काम में मेरा एक छोटा फूलने फुलासी पाखड़ी जैसा हमारे मराठी में बोलते हैं, उन्होंने एक्सेप्टेंस किया, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और आने वाले समय में यहाँ जो काम कर रहे हैं हिंदू संस्थान में, उनकी पावर, उनकी शक्ति और बढ़ाए भगवान, उनको और अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा हजारों साल उनका लाइफ बढ़ाए मैं तो ये बोलूँगा, क्योंकि ये जो काम है करना इतना आसान नहीं है। ये देखने के बाद में चक्कर दिमाग घूमने वाला काम है, जहाँ वहाँ पे जाते 20-25 बॉडी वहाँ रहती है, वेटिंग है, हमारे डॉक्टर गुरु साहब भी हुए हैं साथ में, वो भी बताते हैं कि काफ़ी दिक्कत है उसमें, दिक्कतें में से हिंदू स्मशान संस्था रास्ता निकाल के आगे निकल रही है। तो मैं ये बोलूँगा कि वह हिंदू स्मशान संस्था ने जो भी आपको काम पड़ता है, जब भी हिंदू स्मशान संस्था का बोलो या गौरक्षण संस्था का बोलो, जब भी काम पड़ता है तो मैं इनके साथ में, जब मेरा जितना भी योगदान है मेरी तरफ से, मैं देने की कोशिश करूंगा। और अमरावती शहर के लिए भी मैं काफ़ी योगदान देने के आने वाले समय में मैं सोच रहा हूँ। हमारे आज बाबू जी से, हमारे जो पिताजी, उनके सवेरे बात हो गई, उन्होंने और बोल दिया कि मेरे पास में ऐसा 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 ऐसी व्यवस्था है, आप और करो। ये अपने लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, मैं ऐसा बोलूँगा कि हमारे पिताजी ने जो हमको शिक्षा दी, उसमें से हम सब कुछ चीज करना चाह रहे हैं और वो करने की परमेश्वर हमको शक्ति दे, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद व्यक्त करते हैं। जय हिंद। इस समय अपने अध्यक्षीय संबोधन में हिंदू मोक्षधाम के अध्यक्ष आरबी अटल ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा, विगत एक वर्ष से उन्होंने कोविड संक्रमित मृतदेहों का अंतिम संस्कार करने के काम में प्रशासन का पूरा साथ दिया, लेकिन नई गैस शवदाहिनी के मसले पर प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारी से हाथ झटक लिए। उस समय वे तीसरी गैस शवदाहिनी स्थापित होने की उम्मीद छोड़ चुके थे। ऐसे समय पूर्व पालक मंत्री प्रवीण पोटे ने किसी देवदूत की तरह आगे आते हुए नई गैस शवदाहिनी का पूरा खर्च उठाने की न केवल तैयारी दर्शाई, बल्कि नई गैस शवदाहिनी के लिए अपनी ओर से पूरा भुगतान भी किया और अब 1-2 दिन में नई गैस शवदाहिनी हिंदू मोक्षधाम में पहुंच जाएगी, जो 1 सप्ताह के भीतर काम करना भी शुरू कर देगी। यह एक तरह से उनके लिए स्वप्न पूर्ति की तरह है। आज जो सहाय दिया है इन्होंने, इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी स्मशान संस्था को, क्योंकि अभी जो स्मशान संस्था के पास है 2 पुरानी शवदाहिनी का है, वहाँ शहीदाहिनी का, उनको काफ़ी साल हो गए,
कई बार वो मेंटेनेंस पे चल जाते, बीच में अभी 3-4 दिन तक मेंटेनेंस पे गए तो बड़े मुश्किल से एक पे करो एक पे मत करो, तो दो में से कई बार एक ही चालू रहती है, मेंटेनेंस पे चल जाती। और बॉडीज इतनी ज़्यादा आ रही थी कि जो आती थी बॉडीज यहाँ पर कोरोना की, उनको 8-8 बॉडीज वेटिंग में रहती थी। अब पहले बॉडी को करीबन 1.5 घंटा, दूसरे बॉडी को 1.5 घंटा, इसके प्रसार इस हिसाब से अगर करते हैं तो एक मशीन पर तो संभव ही नहीं था, क्योंकि कॉरपोरेशन के पास बहुत फंड रहते हैं, ऐसा हमको पता चला। तो हमने बोला मशीन के फंड कॉरपोरेशन से लेंगे। रोडे साहब भी आए थे, वो बोले मैं कर दूँगा करके, लेकिन बाद में कुछ तो भी कारण क्या हुआ समझ में नहीं आया। उनके कहने से हमने मशीन बुक भी किए कि हमको आश्वासन मिल रहा है कुछ ना कुछ फंड मिल जाएंगे, तो उन्होंने दिया नहीं। अब ये बात जब पता चली अनिल भाऊ अग्रवाल को, उन्होंने पूछा, मैंने बोला भी ऐसी डिफिकल्टी कॉरपोरेशन स्पष्ट नहीं बोल रहे, वो स्वयं सब जगह जाके पूछे, वो बोले हमने हमारे फंड देने का नहीं ठहरा लिया कुछ कारण से स्मशान संस्था को। हालांकि स्मशान संस्था की गाड़ी 1 साल से हमारी जो वैन है डेड बॉडी वो उनके ताबे में पड़ी है, पिछले मार्च 20 में ले गए, अभी मार्च 21 भी हो गया, मैं भी आ गया, अभी भी उन्होंने दिए नहीं हमारे। इसके अलावा जितनी भी बॉडीज का बोले, अभी उन्होंने विलासनगर का ही भार दिया हुआ है, वो भी हमने बोला भाई ठीक है विलासनगर का हम करेंगे, लेकिन हमको कुछ ना कुछ उसमें पत्र जो लेके लेकिन पत्र देंगे तो हम वहाँ काम कर पाएंगे। तो ये तीसरी अभी जो विलास प्रवीण भाव ने जो हमको मशीन दी हुई थी, तीसरी गैस दाहिने के लिए फंड दिए हुए हैं, उन्होंने स्वयं होकर उसकी जाँच पड़ताल भी की किस प्रकार काम करती है, उन्होंने स्वयं होकर उसका बुकिंग भी कर दिया, और अभी बता रहे थे इसी बैठक में कि वो मशीन वहाँ से रवाना हो गई और शायद आज रात में या कल सवेरे तक आ भी जाएंगे जी। तो आवश्यकता तो थी स्मशान संस्था को कार्य करने के लिए। इस समय अपने विचार व्यक्त करते हुए दैनिक अमरावती मंडल व मंडल न्यूज के मुख्य संपादक अनिल अग्रवाल ने कहा कि विपत्ति के समय ही किसी भी व्यक्ति की सही परख होती है। विगत 1 वर्ष से चल रही संक्रमण की विपत्ति के दौरान हिंदू मोक्षधाम संस्था के अध्यक्ष आरबी अटल, पूर्व पालक मंत्री प्रवीण पोटे तथा शहर के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर प्रफुल्ल कडू द्वारा लगातार जनसेवा के कार्य किए जा रहे हैं और आज तीनों ही एक मंच पर उपस्थित हैं। ऐसे में उन्हें एक ही स्थान पर उपस्थित देव त्रिमूर्ति कहा जा सकता है, जो विगत 1 वर्ष से तमाम तरह के प्रचार प्रसार व प्रसिद्धि से दूर रहकर चुपचाप अपना काम कर रहे हैं। इसके तहत आरबी अटल हिंदू मोक्षधाम, गौरक्षण संस्था, महेश भवन, कोविड अस्पताल तथा बालाजी मंदिर का जिम्मा संभालते हुए जरूरतमंदों को 1 वर्ष से लगातार भोजन वितरण कर रहे हैं। वहीं प्रवीण पोटे पाटिल ने जहां कोविड संक्रमण की पहली लहर के दौरान बिना किसी तामझाम के लाखों लोगों को अनाज व किराना वितरित किया, वहीं दूसरी लहर के दौरान वे करोड़ों रुपए की लागत से वैद्यकीय सहायता उपलब्ध करा रहे हैं। इसके तहत सुपर स्पेशलिटी में 65 लाख रुपए की लागत से ऑक्सीजन निर्मित प्लांट स्थापित करने के साथ साथ हिंदू मोक्षधाम में 30 लाख रुपए की लागत से गैस शवदाहिनी स्थापित की जा रही है। साथ ही पोटे ट्रस्ट की ओर से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, पीपीई किट व रैपिड एंटीजन किट जैसी तमाम सहायता स्थानीय प्रशासन को उपलब्ध कराई जा रही है, जिसके वे खुद साक्षी हैं। और यह उनका सौभाग्य है कि हिंदू मोक्षधाम में स्थापित होने वाली नई गैस शवदाहिनी के काम में उन्हें हिंदू मोक्षधाम और प्रवीण पोटे पाटिल के बीच संवाद सेतु बनने का सौभाग्य मिला। साथ ही अनिल अग्रवाल ने विशेष तौर पर यह उल्लेखित किया कि समूचे महाराष्ट्र राज्य में प्रवीण पोटे अकेले ऐसे राजनीतिक व्यक्ति व जनप्रतिनिधि हैं जिन्होंने अपने खर्च पर गैस शवदाहिनी के लिए 30 लाख रुपए की रकम बतौर सहायता राशि उपलब्ध कराई है। माझ्याबद्दल इथे सांगण्यात येते का हे जे कार्य आज झालेलं आहे त्याच्या मदतनी दुवा मी आहे, कुठेतरी मदतनी दुवा नाही आहे, वास्तविक माझा कार्य होता। आणि माझ्या वडिलांनी म्हटलं होतं का कोणती आपदा विपदा किंवा विपत्तीमध्ये खरं ओळख होते माणसांची किंवा कोणत्याही गोष्टीची। मागील मार्च 2020 पासून जेव्हा कोरोना ही महामारी सुरू झाली त्या महामारीमध्ये मी पहिल्या दिवसापासून ॲडव्होकेट आरबी अटल यांना पाहून टाकलो आहे। मी म्हणेल या मंचावर 3 देवदूत उपस्थित आहे, एक ॲडव्होकेट आरबी अटल, एक ज्यांना विसरून आपल्याला बिलकुल चालणार नाही असे डॉक्टर प्रफुल्ल कडू, आणि एक म्हणजे माझे मी स्वतःला खुशनशीब समजतो आजे असे माझे मित्र आणि मोठे बंधू आदरणीय सन्माननीय प्रवीणजी पोटे पाटील यांचं कार्य। मागील कोरोनामध्ये आपण जर थोडंसं मागे जाऊन जर पाहिलं 2020 कोरोनामध्ये तर मला असं वाटते ही जी यावेळेसची जी मदत आहे प्रवीण भाऊची ती कोणत्या ना कोणत्या कारणास्तव आपल्या सगळ्यांच्या समोर आली, पण इतकीच मदत मागील कोरोनामध्ये त्यांनी चुपचाप केली होती हे मला माहीत आहे। आता किरण भाऊंनी सांगितलं पडद्याच्या मागे राहून मी नेहमी काम करतो, माझ्या ओवतीभोवती किंवा मी ज्यांच्या लोकांच्या ओवतीभोवती आहे ते सगळेच लोक मला असं वाटते असे आहे जे पडद्याच्या मागे राहून काम करतात। मागील कोरोनामध्ये मागील लॉकडाऊनमध्ये लाखो लोकायला मी मोठ्या जबाबदारीनं म्हणतो आहे, हजारो लोकांना नाही,
आणि फक्त भाषणात म्हणतोय म्हणतोय असं म्हणत नाही, लाखो लोकांना किराणा वाटपाचा काम प्रवीण भवनच्या ट्रस्टच्या माध्यमाने मागील कोरोनामध्ये झाला होता। मला असं वाटतं त्याचं मूल्य पण कोट्यवधी रुपयामध्ये असेल। आणि आश्चर्य तर तेव्हा झाला जेव्हा अमरावतीच्या तहसीलदारांना यांनी आपल्या ट्रस्टमधनं किराणाची मदत केली आणि मग तहसीलदारांनी तहसील ऑफिसमधनं ती किराणाची मदत लोकांना वाटप केली आणि त्याच्यात कोणत्याही समाजाला न पाहता कोण हिंदू आहे बिलकुल नाही, जरी ते भाजप भारतीय जनता पार्टीचे नेते असेल तरी त्यांनी पाहिलं नाही कोण हिंदू आहे कोण मुस्लिम आहे किंवा कोण इतर जातीचा आहे, सगळ्यांना मोकळ्या मनानं त्यांनी मदत केली ते मी पाहिलं होतं। जेव्हा ह्या पेंडेमिकमध्ये त्यांनी पाहिलं का लॉकडाऊन लावताना ह्या शासनाने थोडंसं नियोजन व्यवस्थित केलं आणि ह्या लॉकडाऊनमध्ये इतकी किराणाची किंवा इतकी गरीब लोकांना मदत नाही भासली, म्हणून त्यांनी पाहिलं का ह्या लॉकडाऊनमध्ये किंवा ह्या दुसऱ्या कोरोनामध्ये वैद्यकीय मदतची खूप आवश्यकता आहे। ऑक्सिजन म्हणा पीपीई किट म्हणतात ते म्हणा, त्याच्याशिवाय असं डॉक्टर साहेबांनी सांगितलं पीपीई किटसाठी त्यांनी मदत केली, ऑक्सिजन सिलेंडर म्हणा औषधं म्हणा। आता त्याच्यानंतर जेव्हा आम्ही पाहिलं मागील एक महिन्यापासून महानगरपालिका प्रशासनाने हिंदू स्मशान संस्थेला तिसऱ्या गॅस शववाहिनीसाठी शवदाहिनीसाठी 50 लाख रुपये देऊ केले होते, घोषणा केली होती, पण ऐन वेळेवर त्यांनी जेव्हा 12 लाख रुपये हिंदू स्मशान संस्थेतर्फे मशीनच्या बुकिंगसाठी गेले तेव्हा महानगरपालिकेने महापालिकेने आपले हात वरत केले की आम्हाला तिथे शववाहिनी देता येणार नाही कारण का त्याचं प्रदूषण जास्त होतं। अहो शव जाळायचे नाही तर मग ते करायचं काय? मी शेवटी आयुक्तांशी भांडलो फोनवर महापौरांशी भांडलो, म्हणजे तुम्ही म्हटलं का शव जाळले तर प्रदूषण होते तर मग शवांचं करायचं काय? शव कुठे घेऊन जा कुठे घेऊन जायचे कुठे जाळायचे? जिथे जाळा तिथे उलट प्रदूषण होईल। आणि म्हटलं हे प्रदूषण नाही आहे, उलट 120 फूट उंच चिमणीमध्ये जाऊन ते धूर आसमानमध्ये जगात मिक्स होते धागात मिक्स होते इथे कुठे प्रदूषण आहे? पण त्यांनी समजलं नाही, मला माहीत नाही कुठे राजकारण मुरलं, मला माहीत नाही कुठे पाणी मुरलं, पण ह्या सगळ्या गोष्टीमुळे हिंदू स्मशान संस्थेचे अध्यक्ष ॲडव्होकेट आरबी अटल डिस्टर्ब झाले। 8 दिवस अगोदर जेव्हा अटल साहेबांशी माझं फोनवर बोललं होतं चालू होतं, माझे त्यांचे संबंध फार जास्त जुने नाही आहे, जवळपास 20 वर्षाचे आहे, 20 वर्षात त्यांना पहिल्यांदा मी रागात पाहिलं। त्यांनी रागाच्या भरात मला महापालिकेवर नाराजगी व्यक्त केली आणि त्यांनी सांगितलं करणार कैसे अनिल बाबू, वहां पे तिसरी गैस शवदाहिनी नहीं लगेगी तो इतने जो शव भेजे जा रहे हैं 30-30, 40-40 उनको जलाना कहाँ, उनका अंत्य संस्कार करना कहाँ, उनके लिए ओटे कम पड़ रहे हैं, उनको जलाने के लिए गैस शववाहिनी कम पड़ रही, इसका मला ही त्या दिवशी थोडीशी रात्री झोपणे आली। मी प्रवीण भाऊंशी बोललो दुसऱ्या दिवशी आणि म्हटलं प्रवीण भाऊंच्या कानावर आपण टाकून पाहू, त्यांनी 65 लाखाचा ऑक्सिजन प्लांट दिलं आणि त्यांच्या मनात कुठतरी आणखीन प्लॅनिंग होती की आपण काय आणखीन करू शकतो। त्यांना जेव्हा मी म्हटलं तर आता म्हणजे थोडंसं मी गावराणी शब्दात म्हणतो, मुद्द्यांसाठी पैसे देणे शवांसाठी पैसे देणे, मला असं वाटते पूर्ण महाराष्ट्रात एक नेता असेल ज्यांनी शवदाहिनीसाठी 30 लाख रुपये दिले। नाही तर मित्र हो कोणताही नेता, मी भरपूर नेते पाहिले आहे, नेता आता मी नाव घेणार नाही, 100 जेवणाचे पाकिट वाटल्यानंतर 1000 फोटो काढणारे नेते आपल्या अमरावतीमध्येच उपस्थित आहेत। मागील 8 दिवसातच आपण पाहिले असेल, आपण पेपरामध्ये वाचलं असेल, 100 जेवणाचे वाटप पाकिट त्यांनी वाटले अशा लोकांनी 1000 फोटो पेपरमध्ये छापून आणले। तेव्हा प्रवीण भाऊला म्हटलं मी इथे एक छोटासा कार्यक्रम घेऊ इच्छितात ॲडव्होकेट अटल साहेब, त्यांनी सांगितलं मीडिया तिथे आली नाही पाहिजे कारण मी तिथे येणार, म्हणून आपण मीडियाला कोणालाही सांगितलं नाही। नाही तर 30 लाख रुपयाची शवदाहिनी आपण समजा कोणत्या नेत्यांनी दुसऱ्या दिली असती तर किती मोठा गाजावाजा त्याचा केला असता हे आपल्यालाही माहीत आहे। आणि मित्र त्यांची पुढची जी प्लॅनिंग आहे का त्यांच्याही फंडातून त्यांच्या राजकीय फंडातून आमदारकीच्या फंडातून त्यांना आणखी काय करता येईल ते त्यांची एकंदरीत प्लॅनिंग आहे ते सांगतीलच। इस समय शहर के वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर प्रफुल्ल कड़ू ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि एक राजनेता होने से इतर प्रवीण पोटे पाटिल एक बेहद संवेदनशील व्यक्ति हैं और हमेशा ही अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को लेकर बेहद सजग रहते हैं। उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य बेहद प्रेरक व अनुकरणीय होते हैं और इस बार भी उन्होंने समाज सेवा की एक मिसाल पेश की है। पण समाजातून आणि सामाजिक भान घेऊन त्याच्यावर कसं त्याच्यावर रिॲक्ट करायला पाहिजे, प्रॅक्टिकल रिॲक्ट करायला पाहिजे, हे फक्त त्यांच्याकडनं द्यायला पाहिजे, एवढंच नाही
त्यांनी माझ्याकडे 1 लाख रुपये आणून टाकून दिले, नंतर 2 लाख रुपये आणले होते. म्हणजे कशात काही एवढे 2 लाखाचं किट आम्ही रॅपिड अँटीजेन टेस्ट करायची महानगरपालिकेला कमी करून दिल्या, आम्ही दिल्या. 1 लाख रुपये जे माझ्याकडे पडले आहेत त्याच्यापैकी काही पैसे मी फक्त पेशंट लोकांसाठी खर्च केले, काही माझ्यातर्फे मी करतो. युट्यूबी करू आपण जेवण किती पाठवू मिळू नये, ज्याला जरूरत आहे त्यालाच आपण देऊ. तेव्हा सगळ्या गरीब लोकांची सेवा करणे अविरत जोपर्यंत मी जिवंत आहे तोपर्यंत. इस समय प्रमुख अतिथि के तौर पर उपस्थित भाजपा शहराध्यक्ष किरण पातुरकर तथा ग्रामीण जिलाध्यक्ष निवेदिता चौधरी ने भी अपने समयोचित विचार व्यक्त किए. इस आयोजन के संचालन का जिम्मा हिंदू मोक्षधाम के ट्रस्टी पंडित देवदत्त शर्मा जी ने संभाला. प्रवीण भाऊ जी एक गोष्ट झाली आहे, प्रवीण भाऊ स्वतः प्रत्यक्ष जातील नाही जातील, पण जो चांगलं काम करतोय त्याच्या पाठीशी ताकदीने उभे आहे. आणि मी तुम्ही फारच कमी नेते, आम्ही तर नेतेच नेते बघतो सर, आमचं कामच आहे नेते बघणं. तर अनेक नेते, अनेक आमदार, अनेक खासदार बघितल्या, घडवल्या, पाहिल्या, राहिलो आहे. परंतु ताकदीने पैसा लावणे आणि त्याच्यासाठी लागणारं जे हृदय लागते ते मात्र प्रवीण मोदी आहे. पैसे किती खर्च करा, चांगलं काम करताय का मला सांगा, मी येतो तुमच्यासोबत. हे म्हणणारा आणि ते नुसतं म्हणत नाही करतात असे प्रवीण भाऊ आहे. याचा आपण आता अनुभव घेतला. कोणी काही पण म्हणू, मला अनेक प्रसंग माहीत आहेत, अनेक ठिकाणी दिलेल्या रकमा माहीत आहेत, राजकीय कामासाठी पार्टीने त्यांना दिलेल्या जबाबदाऱ्या त्याही मला माहीत आहे, त्या सगळ्या इथे सांगण्यासारख्या नाही. परंतु प्रवीण भाऊ या सगळ्या कामात अग्रेसर असतात. आज प्रवीण भाऊंनी खरोखर अतिशय चांगले 2 कामं केले. 1.65 लाख रुपये ऑक्सिजन प्लांटसाठी सुपर स्पेशालिटीमध्ये उभं करतात स्वतः, आणि ते माहिती आहे का CSR फंडातले नाही, प्रवीण भाऊंनी स्वतःच्या खिशातले स्वतःच्या कमाईचे पैसे खर्च केले. आज मला वाटते 30 लाख रुपयाचा चेक आपल्या स्मशानभूमीमध्ये तिसऱ्या दाहिनीसाठी देऊन राहिले. आणि प्रवीण भाऊंनी ही जी शववाहिनी देण्याकरता पाऊल उचललं ते खरोखर आवश्यक आहे. कारण मला छोटासा प्रसंग आठवला सकाळी त्यांचा फोन आल्यानंतर, कारण आमचे अतिशय जुने कार्यकर्ते रमेशदादा पवार ज्या दिवशी वारले त्या दिवशी जी या स्मशानभूमीतली अवस्था होती, म्हणजे ती बडेरा असो की अमरावती असो, आणि एवढ्या ग्रामीण भागातली साधारणतः कोरोना झाल्यानंतर पेशंट शिफ्ट होत नाही, ते इथेच हे केले जातात, आणि त्याची जी अवस्था आहे त्याचे जे अहवाल आपल्या कानावर येतात अशा याच्यात या शववाहिकेची अतिशय आवश्यकता होती. आपण हिंदू स्मशानभूमीला ही जी शववाहिका दिली त्याबद्दल प्रवीण भाऊंचे आभार.